दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे अपने कंप्यूटर को फास्ट कैसे करते हैं। क्या दोस्तों आपका कंप्यूटर पुराना है, या आपके कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, या आपके कंप्यूटर में कोई भी दिक्कत आ रही है, हैंगिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम का सलूशन हमारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मिनी टू मैक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके बहुत आसानी से। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों हम टाइप करते हैं विंडो आर। दोस्तों विंडो आर से हमें एक रन का एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप सर्च बार में डायरेक्ट RUN टाइप करके आपको ये रन आपको मिल जाएगा। इसकी शॉर्टकट की होती है विंडो आर। तो दोस्तों आप विंडो आर भी दबा सकते हैं, आप डायरेक्टली इस तरीके से भी जा सकते हैं। दोस्तों हम रन पर आ गए हैं। रन पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से कुछ कोड मिलेंगे, कुछ कमांडें मिलेंगी। तो दोस्तों उन्हें हमें अपने रन में ऐड करना है। तो दोस्तों हम करते हैं उनको ऐड। दोस्तों मैंने पहले से ऐड कर रखी हैं, आप चाहें तो उन्हें ऐड कर सकते हैं और उन्हें यूज करके अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखी हैं। दोस्तों इनको टाइप करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक बार टाइप कर दी और आपका कंप्यूटर फास्ट ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों आपको हर कमांड को एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, या एक दिन में एक बार, या हफ्ते में एक बार आपको ये कमांडों का यूज़ करना है। दोस्तों इनसे क्या होता है, जो अभी हमारे सिस्टम में जो भी फालतू का डाटा इकट्ठा हो जाता है, जो कि यूजलेस डाटा होता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर हैंग होता है, वो सभी फाइलों को ये हटा देते हैं। तो दोस्तों इनको यूज कैसे करते हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में आगे। तो दोस्तों ये हमने रन को हमने ऑलरेडी खोल रखा है पहले से ही। अब हमने यहाँ पे क्लीन MG लिख रखा है। तो दोस्तों हम करते हैं उस एक कमांड पर क्लिक करने के लिए करते हैं एक कमांड पर क्लिक। दोस्तों क्लिक किया मैंने और हमने देखा एक नई विंडो खुली है, उस पर सी ड्राइव डिफ़ॉल्ट ही सेट है। तो दोस्तों इसको हमें कुछ नहीं करना है, करना है ओके। डायरेक्टली ओके करने के बाद आपको आपकी सी ड्राइव जो है क्लीनिंग डिस्क क्लीनिंग आपका चलने लगेगा। आपकी सी ड्राइव का डिस्क क्लीनिंग चलने के बाद आपको एक नई इस तरीके की विंडो आपको नज़र आएगी। उस विंडो पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद डिलीट फाइल कर देनी है। दोस्तों आपकी सी ड्राइव जो है क्लीन हो चुकी है लूजलेस फाइल से। तो दोस्तों ऐसे ही हम दूसरी कमांड चलाने के लिए हमें अपने कीबोर्ड का विंडो आर दबा करके रन को ओपन कर लेना है, और जो भी आपकी नेक्स्ट कमांड है उस कमांड पर डायरेक्टली उसको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। आपके सामने जो भी फाइलें हैं वो सब आ जाएंगी। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये दो तरीके की फाइलों को ऐड करके मैं बता रहा हूँ। बाकी की कुछ और फाइलें हैं वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जैसे कि आपको आसानी हो, आपको स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और आप अच्छे से अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।